नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर इन दिनों भू माफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जहां देखो वहां श्री सरकार और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और कब्जा कर गैरकानूनी तरीके से व्यावसायिक दुकान और निर्माण कार्य करने जैसी तस्वीरें नजर आ रही है। पंच राज भोई माली समाज ने डेगली माता मंदिर परिसर में अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर परिसर को नुकसान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शहर के डेगली माता मंदिर परिसर के समीप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण अनुचित तरीके से किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि निर्माणकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान खोलना चाहता है, जो कि अतिक्रमण है। वहीं इसके पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है। शिकायत के बाद निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रोक लिया गया था, लेकिन विगत दिनों से वापस निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पंच राज भोई माली समाज के अध्यक्ष रामचंद्र ने बताया कि निर्माणधीन कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां समाज के वर्षों पुराने पितृदेव मंदिर के समीप से सीढ़ियां निकली जा रही हैं, जिससे मंदिर आने जाने वाले दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में विगत दिनों वृक्षारोपण कर पौधे लगाए गए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पौधों पर एसिड डालकर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। ज्ञापन में कहा कि वर्षों पुराने आम के पेड़ को भी एसिड छिड़क कर नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने इन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की मांग करते हुए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मंदिर परिसर में पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है। प्रतिवर्ष यहां पर गणेश उत्सव, गरबा उत्सव और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो जन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में जयदीप भोई, राकेश, भुवनेश, रितेश आदि उपस्थित रहे। अभी दो वर्ष से भी पूर्व हमने हमारे माता जी के मंदिर के आगे वृक्षारोपण किया था, जिसमें उस समय 2019 में 25 तारीख को इन्होंने एसिड डाल करके कतिपय लोगों द्वारा उस पेड़ को जला दिया गया। पिछले सप्ते स्नेह फाउंडेशन की मदद से उस पेड़ को वापस लगाया गया, जिसमें इन्होंने विवाद किया और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू ये उस पेड़ को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व 100 वर्ष से भी पूर्व ये पेड़ लगा हुआ था, एक आम का पेड़, उसको इन्होंने एसिड डाल करके जला दिया और उस पेड़ को वापस वहाँ पुनर्स्थापित नहीं करने देता, जबकि वो पूरी ज़मीन जिसके ऊपर विवाद हो रहा है वो हमारे समाज के लोगों की है और ये दावा करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आप इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस सब को लेकर के हमने पूर्व में कलेक्टर साहब, CI साहब सबको ज्ञापन दे रखा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर था इनके ऊपर। और अभी एक बार फिर से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं तो अब कार्रवाई नहीं होगी तो जन आक्रोश बढ़ रहा है और इस संबंध में फिर जन आक्रोश बढ़ेगा तो फिर इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम क्या? जयदीप भोई, नवीक मंडल अध्यक्ष, राजभोई माली समाज।